गुड मॉर्निंग क्लास थ्री के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक्सरसाइज 20 जिसके क्वेश्चन आंसर को भी लिखाया जा चुका है, टेलीविज़न का जादूगर, एक्सरसाइज टेलीविज़न का जादूगर JL बेयर्ड, इसका पूरा नाम है जॉन लागी बेयर्ड। इसके बारे में आपने जाना था कि किस तरह से टेलीविज़न के आविष्कार को, टेलीविज़न को बनाया इसने, कैसे इसके मन में विचार आया कि जब आवाज़ हमारी बिना तार के कहीं जा सकती है हवा के माध्यम से, तो फिर हमारे चित्र क्यों नहीं जा सकते। यह प्रश्न जब इसके दिमाग में आया तो वैज्ञानिक मन विचलित हो गया और उसने खोज निकाला टेलीविज़न को। इसी तरह से और भी बहुत सारे, अब देखिए यह जानिए, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं बनी हमारे जीवन में हमारे उपयोग के लिए, जिस जैसे भाप के इंजन का आविष्कार। देखिए भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, जेम्स वाट ने किया था। भाप के इंजन से पहले रेल चलती थी, अब ट्रेन, वह ट्रेन जो है किस चीज़ से अब चलती है, उसके बाद डीजल से चलती थी, फिर उसके बाद अब किस चीज़ से चलती है, तो अब वह बिजली से चलती है। इस तरह से कई ट्रेनें बनी। अब उसके बाद देखिए रेडियो का आविष्कार, तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने किया था, वही आवाज़ एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। टेलीफोन का आविष्कार करने वाला कौन है, तो ग्राहम बेल है। पौधों में जीवन का आविष्कार करने वाला कौन है, तो जगदीश चंद्र बसु है, ये हमारे देश के। कार का आविष्कार करने वाला कौन है, तो कार्ल बेंज है। इस तरह से आपके आविष्कारक के नाम हैं, इसको भी जान लीजिए। अब देखिए यहाँ शब्द के माध्यम से, अब यहाँ हिंदी में आपकी समृद्धि के लिए कुछ नए शब्द हैं। विज्ञान, विज्ञान से शब्द बनता है, वह कौन बन क्या बनता है, तो वैज्ञानिक। उसकी उसी तरह आविष्कार से तो आविष्कारक, अखबार से अखबार वाला। ये देखिए यहाँ जो शब्द बाद में जुड़े, जो शब्द के अंश शब्द के बाद जुड़े, यहाँ शब्द है और कुछ अंश इसमें जुड़ता है जिस कारण से वह शब्द बदल जाता है, तो जो अंश बाद में जुड़ता है वह क्या कहलाता है, वह प्रत्यय कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वह प्रत्यय कहलाता है। अखबार से तो अखबार वाला, यह वाला शब्द जो है यह प्रत्यय है। उसी तरह से पत्र, तो पत्रकार, यह कार शब्द जो है यह प्रत्यय है। उसके बाद लेख, तो लेख से लेखक, तो इसमें अक लगा हुआ है, यह अक जो है वह प्रत्यय है। अध्यापन से अध्यापक, इस तरह से अपने नए शब्द बनाए। इस तरह से आप भी अपने अपने कॉपी पर बनाइए शब्द को, नए नए शब्दों को।